पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चला है और 21 अगस्त से हरियाणा प्रदेश में भी, क्योंकि उससे पहले यहाँ विधानसभा के चुनाव थे, इसीलिए थोड़ा लेट से हरियाणा में ये सदस्यता अभियान शुरू हुआ और 21 अगस्त से हमारा ये अभियान शुरू हुआ है और 30 तारीख तक ये चलेगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश के 20,629 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के पर बूथ 250 और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की इकाई ने लिया है और इसको पूरा करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं हुई। पूरे प्रदेश में 313 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में हमारी कार्यशालाएं हुई और पार्टी ने एक नंबर जारी किया। ये नंबर पूरे देश के लिए है, सबके लिए है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए जो नंबर जारी किया 8800002024, इस पर मिस कॉल मारने के बाद जो भी मिस कॉल मारते हैं उसका पार्टी का सदस्यता संख्या उस पर दर्ज हो जाती है, और अगर कोई पहले से सदस्य बन चुका है उस टेलीफोन से इसी नंबर पर डायल करता है तो उस पर मैसेज आ जाता है कि आप पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और आपकी सदस्यता संख्या ये है, उसका भी विवरण दिया जाता है। बहुत ही पारदर्शिता के साथ डिजिटल माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की सदस्यता जो भारतीय जनता पार्टी की होगी वो डबल भी नहीं होगी, और सही जानकारी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनेगा। इस प्रकार से टेलीफोन के अंदर ही एक फार्म खुलता है, उस फार्म पर उस कार्यकर्ता का पूरा नाम, उसका एड्रेस, कौन सा जिला है, कौन सा प्रांत है, कौन सी विधानसभा है, उसकी जन्मतिथि क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, इस प्रकार की पूरी जानकारी भरने के बाद एक नीचे कॉलम आता है कि आप किसके माध्यम से, किसकी प्रेरणा से, किसके कहने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उसका भी एक रेफरल कोड बना है, उस रेफरल कोड को डालने से या उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर डालने से वो सदस्य भी बन जाता है, और जिसका रेफरल कोड डालते हैं उसकी भी एक संख्या बढ़ जाती है कि उसके रेफरल कोड से कितनी सदस्यता संख्या बनी है, और उसी को आधार मानते हुए हमने जितने भी हमारे सांसद हैं उन सबको 30,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है, जितने हमारे विधायक हैं उन सबको 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है, जितने भी हमारे चेयरमैन हैं उनको 10,000 का टारगेट दिया है, कुछ जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको 5,000 सदस्य बनाने का दिया है, जो जिला के पदाधिकारी हैं तो किसी को 2,000, किसी को 2,500, अलग अलग कैटेगरी में हमने सबको सदस्यता बनाने के लिए एक टारगेट सेट किया है, जिससे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बने। इस प्रकार का अभियान ये पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है और आज तक 10 लाख से ज़्यादा सदस्य संख्या भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और इसको तेज गति देने के लिए आज पानीपत जिला की चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है, और आने वाले समय में हम इस सदस्य संख्या का जो टारगेट रखा है इसको बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। कितने सदस्य अपने पानीपत में बने हैं अब तक और आगे लक्ष्य क्या है, कब तक पूरा हो जाएगा? जो पानीपत जिले का आंकड़ा है वो लगभग 48,000 कार्यकर्ता पानीपत जिला के अब तक बने हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा बने हैं। आज पूरे हरियाणा में फरीदाबाद जिला सबसे एक नंबर पर है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा सदस्य संख्या हमारी हुई है। पानीपत इसमें कौन से नंबर पर? पानीपत चौथे नंबर पर है। इसे अगले चुनाव की तैयारी माने सर विधानसभा? ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है और जिस प्रकार से हम काम करते हैं, सेवा ही संगठन, हम सरकार में रहते हुए भी सेवा भाव से जनता के बीच में रहते हैं, और इसी प्रकार से
प्रदेश में बहुत सारे चुनाव होने हैं, नगर पालिका के होने हैं, नगर निगमों के होने हैं, नगर परिषद के होने हैं, पंचायतों के होने हैं, जिला परिषद के होने हैं। जब भी चुनाव हरियाणा प्रदेश में होंगे उन सब चुनाव की हमारी तैयारी भी है इसके साथ साथ, और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से 2024 के विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, इसी प्रकार से आज हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा में रहे, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद में हो। ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार होगी, तो जो सरकार की नीति है वो गरीब आदमी तक पहुंचेंगी और जो विकास के काम है वो पारदर्शिता के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में समान गति के साथ होंगे। अभी अभय चौटाला का बयान था जी कल का कि हुड्डा ने बीजेपी को जितवाने में अहम भूमिका निभाई है, ये उनका विचार हो सकता है और वो कोई भी बात कहने की सबको आज़ादी है, वो किस एंगल से सोचते हैं वो तो वही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके परिश्रम से और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुँचाने की व्यवस्था देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, और हमारे हरियाणा की सरकार पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ, जो उनके काम, और 56 दिन का जो थोड़ा सा समय नायब सिंह सैनी जी को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, उन 56 दिन की जो उपलब्धियाँ, 126 बड़ी घोषणाएं की और उनको धरातल पर उतारते हुए लागू करने का काम किया, बहुत सारी चीज़ें, चुनाव कई दृष्टिकोणों से जीता जाता है और बहुत सारे उसमें कारण होते हैं, अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, जिसके नीतियों के कारण से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको लगता है जी कांग्रेस जब चुनाव थी विधानसभा के, जब कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी जो वायरल हुई है नौकरियों के ऊपर भी, वो फायदा सीधा साधा बीजेपी को मिला है? 100% जब कोई पाप करता है, जब कोई भ्रष्टाचार करता है और जो भी जिस पार्टी का वो नेता होता है उसको उसकी सजा जनता देती है, और चुनाव के समय में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो आचरण रहा, जिस प्रकार की बयानबाजी रही और जिस प्रकार की उनकी विचारधारा है, लोकसभा का चुनाव आपने देखा है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक बड़ी झूठ बोलने का काम किया और उस झूठ को भी उन्होंने ऐसे जचाने का काम किया और बहुत बड़ा तबका, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ऐसे वोटर उनकी बात के प्रभाव में आए और उन्होंने दो झूठ हर मंच से बोली। संविधान को हाथ में लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया कि 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो इसलिए है कि ये संविधान को ख़त्म करेंगे। दूसरी झूठ उन्होंने ये बोली कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण को ख़त्म करेंगे। दो झूठ बहुत ज़बरदस्त ढंग के साथ हर प्लेटफार्म पर हर मंच से कांग्रेस के नेताओं ने बोलने का काम किया, और कुछ जो साधारण व्यक्ति हैं, ग्रामीण अंचल के व्यक्ति हैं, वो उनकी बात से प्रभावित हुए, जिसकी वजह से कुछ वोट का परसेंटेज हमारा घटा और जिस कारण से हमारी 240 सीटें आई। लेकिन राहुल गांधी जब विदेश में गए और जिस प्रकार से मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण को ख़त्म करेगी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे, जब जनता के बीच में वो सच्चाई आई और उसके बाद जनता को पता चला कि कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, कांग्रेस गुमराह करने का काम करती है, 100% वही आचरण चुनाव के समय में भी उनके 3-4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने सरेआम कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उसको अपमानित करने का काम किया, उसको बुलाया नहीं गया कहीं, उसके बाद आपके यहीं असंद से जो प्रत्याशी थे उन्होंने सरेआम जनता के बीच में बोला कि कांग्रेस के नेता अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करेंगे और बगैर भ्रष्टाचार के सरकारें नहीं चलती है, बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के पास गए। फरीदाबाद से जो उनके प्रत्याशी थे उन्होंने भी यही बात बोली थी कि हम मन मर्जी से नौकरी बांटने का काम करेंगे, और खुद भूपेंद्र हुड्डा ने भी कई बार
ये सदन में भी बोला था कि ये पोर्टल की सरकार है, हम आते ही पोर्टल को ख़त्म करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने जो संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम आते ही पारदर्शिता के साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम करेंगे, वो काम हमने करके दिखा। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की शपथ का कार्यक्रम हुआ उसी दिन 24,000 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार बगैर पर्ची खर्ची के मेरिट के आधार पर देने का काम किया। यही आर का कारण है कांग्रेस? कांग्रेस के अनेक कारण है। कांग्रेस का जो पाप किया है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में जो भ्रष्टाचार किया है, जिस प्रकार से गरीब का हक गरीब के घर तक नहीं जाने दिया, गरीब की भलाई का पैसा कांग्रेस के बड़े नेताओं के घरों में गया है। जब भी कभी कोई छापे की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई होती है, वो सारा काला धन कांग्रेस के नेताओं के घरों से बरामद होता है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आएंगे और एक बड़ा प्रोग्राम होगा और महिलाओं का होगा। और जिस प्रकार की हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन कई चीज़ों को हमने 100 दिन में पूरा करने का टारगेट हमारा है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार के हैं, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वो सब चीज़ों की घोषणा करने वाले हैं। चौटाला परिवार की राजनीति को कैसे देखते हैं, इस वजह से अभी चौटाला आर के दिग्गज नेता हैं? वो तो परिवार की राजनीति करते हैं, उनके परिवार में परिवार की राजनीति, कांग्रेस भी परिवार की राजनीति में फंसी हुई है। और आज सही मायने में देखें तो 13 साल से तो कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति नहीं हुई है, किस प्रकार की वो लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रधानमंत्री पानीपत में आएंगे या प्रदेश के कहीं और का भी जिक्र? अभी उस पर अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन 19 और 20 तारीख को 2 दिन हमारी बैठकें हैं, उसमें हम अंतिम फैसला करेंगे। हरियाणा में सर खाद की कैसी व्यवस्था है? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में किसान को किसी भी प्रकार की किल्लत नहीं है, और जो 2-3 दिन की परेशानी किसान को थी उसको दूर करते हुए हमने हर सोसाइटियों में खाद पहुंचाने का काम किया है। और मार्केट में खाद हमेशा उपलब्ध रहा है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने इस प्रकार का वातावरण बनाया कि DAP के साथ कोई दवाई या कोई अन्य चीज़ें बेचने का प्रयास किया था। हमने सख्ती के साथ उस पर काम किया और सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया है। आज किसान को कहीं भी कोई खाद की किल्लत नहीं है। जैसे ही किसान को ज़रूरत पड़ती है वो घर से चलता है और बाज़ार से खाद खरीद कर अपने खेत की बिजाई करता है। आप लोग लगातार बापू बेटे पे कटाक्ष करते आ रहे हैं, हुड्डा साहब ने विधानसभा में पूरी डेफिनेशन बता दी कि हमने कैसे जिंदा रखा हुआ पार्टी को, रौनक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से। अब भूपेंद्र हुड्डा क्या बोलता है वो सारा मीडिया के सामने है, जनता के सामने है, जनता सब कुछ जानती है। जिस प्रकार से उसने शासन चलाया, किस प्रकार से नौकरियां बेचने का काम किया, किस प्रकार से जातिवाद, किस प्रकार से क्षेत्रवाद जो बढ़ाने का काम हुड्डा ने किया है, वो हरियाणा की जनता कभी भूलने वाली नहीं। तो आने वाले समय में उनकी राजनीति जिंदा रहेगी? अब वो तो उन्होंने खुद सोचना है कि वो कांग्रेस में रहेंगे कि अपनी पार्टी बनाएंगे, वो तो उनका विषय है, हमारा तो विषय है नहीं। ये बातें आ रही हैं, हमारे पास तो ये बात आई नहीं है अभी। प्रदेश में निकाय चुनाव काफी लेट है, निकाय चुनाव बहुत जल्दी होंगे, और क्योंकि आप सब ने देखा है किस प्रकार से अभी लोकसभा के चुनाव थे, फिर विधानसभा के चुनाव थे, और बहुत जल्दी है ना, जो भी चुनाव पेंडिंग है वो सभी समय पर पूरे होंगे। चुनाव से पहले घोषणा है जैसे सिलेंडर 500 रुपए का, महिलाओं को 2100 रुपए, कब तक लागू करेगा? 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं, हमने तुरंत लागू करने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस के लोग उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं कि मिलता नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी BPL परिवार अगर किसी को नहीं मिलता हो एक भी सबूत के तौर पर हमारे सामने लेके आए, हम तुरंत तो उस एजेंसी के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ आप लोगों की योजना है? यहाँ तो अपर क्लास के लिए होती है या BPL क्लास के लिए होती है? सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है, और हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार की जिम्मेवारी है कमजोर की और गरीब की मदद करें, और उसके लिए जो भी नीतियां बनती है वो हमारी सरकार बनाएगी, उनको लागू करेगी। PM सोलर योजना अभी शुरू हुई है? हाँ जी, प्रधानमंत्री सोलर योजना जो है ताकि देश में जो बिजली का बिल गरीब आदमी के भरने में असमर्थ है, ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली मिले, हमारी सरकार की ऐसी योजना है कि ऐसी परमानेंट व्यवस्था हम करें ताकि गरीब को किसी भी बात की चिंता ना हो। आज गरीब को भोजन की चिंता नहीं है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने की योजना
पांच वर्ष तक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू की थी। जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उस योजना को लागू कर दिया था। आज गरीब को ना भोजन की चिंता है, उनको सरकार 80 करोड़ परिवारों को देने का काम करती है, और सरकार उन गरीब परिवारों को भी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए मुद्रा लोन के माध्यम से अनेक ऐसी स्कीमें हम लेके आए ताकि देश से गरीबों की संख्या घटे। और बिजली के भी इसी प्रकार की व्यवस्था की है कि गरीब परिवारों के छत पर ही सोलर प्लांट सोलर का लगा के पीएम सोलर योजना के माध्यम से, ताकि उसको अपने बिल की चिंता ना रहे, उसको मुफ्त में बिजली मिले, इस प्रकार की योजना हमारी सरकार की। सर, आपके कई मंत्री हारे हैं विधानसभा चुनाव में, जो नए मंत्री बनेंगे उनको आदेश कुछ जारी किएगी, फील्ड में रहे, जनता की सुनवाई करें। हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक नेता फील्ड में रहता है, जनता के बीच में रहता है। और अभी आप देखेंगे जो सदस्यता अभियान है, हमारे तमाम मंत्री नेता हमारे सभी इसी काम में लगे हैं और जनता के बीच में। मंत्री जो आ रहे हैं, एक मंत्री जो खड़गे ने आरएसएस को और बीजेपी को जहरीला सांप बताया और कहा कि इनको मार देना चाहिए, ये इस देश की जनता जानती है कौन सांप है कौन क्या है। और जो जिस प्रकार की भाषा बोलता है वो उसी प्रकार का व्यवहार भी करते हैं, और जनता सब जानती है। खड़गे जी के बारे में मैं इस प्रकार का बयान तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उसी के कारण से कांग्रेस की हालत बनी है।